अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद कामरान। और वीडियो का जो मौजू है वो तो मैं स्टार्ट में बताता हूँ कि हमद बिन हलीफा यूनिवर्सिटी जो है उसमें स्कॉलरशिप आया हुआ है, तो उसके लिए बीएस और एमएस वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो बीएस वाले हैं तो वो एमएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो एमएस वाले हैं तो वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो अहम बात है, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये स्पेशली सोशोलॉजिस्ट के लिए है, बाकी जो लोग हैं वो उसे मदद ले सकते हैं और सब्जेक्ट्स वाले। और लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन के लिए डायरेक्ट हो जाते हैं आसानी से। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ जो एप्लीकेशन का जो एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है तो वो मैं शेयर करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ज़रूर सुन लेना, वीडियो आखिर तक देख लेना। एक बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो हमारे पास जो है वो पूरे होने चाहिए। एक तो बंदा सोचता है कि यार ये फलां काम मैं करूँगा, ये करूँगा, लेकिन बंदा प्रैक्टिकल होना चाहिए। बहुत इजी काम है, इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाता है, लेकिन इसके लिए जो है वो प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। अब मैं रिक्वायरमेंट्स भी बताता हूँ और स्टेप बाय स्टेप वो एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप लोगों ने उसको फिल करना होगा। सबसे पहले तो एक रिक्वायरमेंट मैं बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि आप लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए। वो तो जाहिर ही बात है, बंदा जो यूनिवर्सिटी से फारिग हो तो, या कोई किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो तो जाहिर ही बात है उसको इंग्लिश आती होगी। और अब उन लोगों को प्रूफ चाहिए कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं, तो इसके लिए आपने यूनिवर्सिटी जाके आपने इंग्लिश प्रोफिशंसी सर्टिफिकेट बनाना होगा। जब मैं गया इंग्लिश प्रोफिशंसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए तो 1 घंटा लगा उसके ऊपर, एडमिन से मैंने बनाया, ठीक है। और दूसरा जो है वो आपने एक अलग से सीवी बनानी पड़ती है। एक तो हम हमारी सीवी होती है ना, तो जो हम बनाते हैं जॉब्स वगैरह के लिए एक सीवी बनाते हैं, सीवी वही हो लेकिन उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। चेंजेस ऐसे कि आपने उसको बिल्कुल जो उनका इंटरेस्ट है उनके मुताबिक जो है वो बनाना पड़ता है, मतलब सीवी को थोड़ा सा उसके मुताबिक करना होता है। तो सबसे पहले कवर लेटर होता है, तो कवर लेटर में आपने ये लिखना होता है कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर स्किल्स क्या हैं, और स्पेशली रिसर्च स्किल्स जो होते हैं, और मेरा जो रिसर्च मतलब जो एरिया मेरा रिसर्च का है, या आपका जो इंटरेस्ट है, कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, कौन सा रिसर्च इसमें आपका एक्सपीरियंस है वो बताना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिवली, मतलब आप उसको लिख के तो आप उसके साथ वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीवी है तो सीवी में भी आपने वो सारी चीज़ें डालनी होती है। मैं ये आपके साथ जो इमेजेस है मेरे सीवी के वो आप देख लें, और ये जो कवर लेटर है ये आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे, तो इससे आप हेल्प ले सकते हैं कि कैसे हमने सीवी बनानी पड़ती है और उसमें क्या क्या लिखना होता है। तो उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपका एजुकेशन, आपके आपके जो एक्सपीरियंस है वो सारा कुछ ऐड करना होता है, और जो आपका रिसर्च के हवाले से है या रिसर्च पेपर आपने कोई लिखा है किसी के साथ, तो ये सारा कुछ आपने उसमें ऐड करना होता है। और लास्ट में आपने रेफरेंसेस देने होते हैं आपके, जो जिसके आप रेफरेंसेस देना चाहते हो, ठीक है, आपसे रिलेटेड आपका टीचर हो सकता है, ठीक है, तो वो लोग जिनके साथ आपने सब्जेक्ट सब्जेक्ट के रिलेटेड काम किया होता है, तो वो आप इसके साथ जो है वो एज ए रेफरेंस आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक। तो कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा ही सही, लोग किसी से सीख लेते हैं कुछ चीज़ें रिसर्च में या सब्जेक्ट के हवाले से, तो उसके साथ जो रिलेशनशिप के बेस पे, जो आपका कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल रिलेशन हो, तो वो उस बेस पे जो है वो आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं, तो रेफरेंस जो है आपके सीवी को बहुत स्ट्रांग बना देता है। दूसरा, एक्सपीरियंस जो है वो उसको आप एलाबोरेट कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल लास्ट सेमेस्टर में आपने रिसर्च किया हुआ है, बीएस में या एमएस में आपने 1 साल रिसर्च किया हुआ है, तो उसमें आप कितने कितने कितना एक्सपीरियंस आप ले चुके हैं, उसमें आपने क्या क्या किया हुआ है, वहाँ पे आपने कितना एक्सपीरियंस लिया है, तो वो सारा कुछ आप थोड़ा सा सोच के बैठ के आप सोच लें कि मैंने कैसे एक क्वेश्चनर बनाया है, आपने रिस्पॉन्डेंट्स लिए हैं, वो उनके साथ जो आपका वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उसमें इम्प्रूव हुए हैं, और इसके अलावा जो है आपको जो है वो और आप किस टेक्निक से डेटा एनालाइज कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ आपके एक्सपीरियंस में ऐड होता है। अच्छा, इसके बाद आपने 1 आधा घंटा जो है लैपटॉप को बैठ के वर्ड ओपन करके वहाँ पे एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखना होता है। तो पर्सनल स्टेटमेंट में आपने लिखना होता है कि
मेरा ताल्लुक कहाँ से है, मैं कौन हूँ, और जैसे मैंने बीएस किया हुआ है फलां यूनिवर्सिटी से, या इसके साथ अगर आप एमएस किया हुआ तो उसको भी मेंशन कर लें, और आप क्यों बाहर जाना चाहते हैं ये भी थोड़ा सा लिख लें, थोड़ा सा वो उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के। और फिर इसके बाद जो है अपने जीपीए के बारे में बता दें कि आपने कितनी जीपीए ली है, मतलब, और इसके बाद जो है वो अपने रिसर्च के बारे में, या आपका जो रिसर्च पेपर है उसके बारे में आप बता दें कि मेरा रिसर्च पेपर जो है वो फला जर्नल में पब्लिश है, और मेरे कितने रिसर्च पेपर हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, 10 है, कितने हैं, या नहीं है, तो फिर आप अपने रिसर्च के बारे में बताएं, कुछ तो बताएं, मतलब आपका जो रिसर्च एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं भूल गया, आप पासपोर्ट ज़रूर बनाएं, पासपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें आपको पासपोर्ट जो नंबर होता है वो देना पड़ता है, तो वो ज़रूर बनाएं, और वो तो ज़रूरी है ही, बंदा बना लेता है लाइफ में एक दफ़ा, तो अभी ही बना ले, तो इतना मुश्किल काम नहीं है पासपोर्ट बनाना, तो पासपोर्ट बना ले, और अगर किसी के पास है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो बहुत आसान सा तरीका है, पहले तो मैं सोच रहा था कि यार ये स्कॉलरशिप के लिए, ये स्कॉलरशिप जो है एक बड़ा सा एक प्रोजेक्ट सा होता है, इसके इसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, ये मैंने सुना था कई लोगों से। मैं सोच रहा था कि स्कॉलरशिप के लिए 1 साल बैठ के बहुत सारा काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है, ये सारा कुछ, तो ये चीज़ें मैं जो है इसको सोच के मैं मतलब के मैंने टेंशन ले ली कि अब क्या करेंगे, ये तो पूरा एक प्रोजेक्ट है, ये तो पूरा एक के अलग से एक डिग्री है स्कॉलरशिप की, कि बंदा सोचेगा कि यार ये 2 साल तक, 3 साल तक, 1 साल तक ये इसको सीखता रहे कि कैसे हम अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप पे। बट स्कॉलरशिप इतना मुश्किल नहीं है, एक सिंपल सा आपके पास एप्लीकेशन आएगा ना। अब दो तरीके ना, और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, एक तो आप जब स्कॉलरशिप आता है तो वो आपके आपको जो है वो किसी जो प्रोफेसर है वहाँ का, वहाँ किसी उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ स्कॉलरशिप अनाउंस हुआ है, तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो आपके इंटरेस्ट के साथ जो है वो मैचिंग है, तो वो आप उनको एक फॉर्मल तरीके से बता सकते हैं कि यार मेरा जो है वो हम दोनों का इंटरेस्ट सेम है, तो आई विश के मैं बाहर आऊँ और मैं काम करूँ और अपना नॉलेज जो है वो जो है इसमें ऐड करूँ, और इसके साथ जो है वो आप इसी तरह भी एक मतलब कनेक्शन बना सकते हैं एक फॉर्मल तरीके से। दूसरा ये है कि जब आप जब उस प्रोफेसर को उस ये सारी चीज़ें पसंद आ जाएं, आपका जो क्या कहते हैं कि मोटिवेशन है, और आपके अंदर जो स्किल्स हैं, और आपके अंदर जो सिमिलरिटी है उसके साथ, तो वो सारा कुछ जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो एप्लीकेशन फिल करना होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन जो है इसमें तो सिंपल सी आईडी बनानी पड़ती है, आप सिंपल सा एक आईडी बना लें उसमें, और फिर जैसे एक यूज़र नेम और इसका पासवर्ड होता है, तो वो ऐसे आप कर लें, और फिर इसके साथ जो है आपने फिर वहाँ पे जो सोशोलॉजिस्ट स्पेशली वो तो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस जो है उसको सेलेक्ट करना करेंगे वो, और फिर इसके बाद जो है वो आपका जो क्या कहते हैं कि मैंने आपको जो रिक्वायरमेंट्स बताए हैं वो आपने उसमें से देने होते हैं, जैसे अच्छा सबसे पहले तो ये नेशनलिटी आपने बतानी पड़ती है, आप कौन हैं, आप किस कंट्री से हैं, किस प्रोविंस से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, इसके अलावा आप जो है वो इसके अलावा आपके आईडी कार्ड का नंबर, आई मीन कि आपके पासपोर्ट का नंबर, वो आपने देना होता है, ये आपकी नेशनलिटी है, तो वो इसके बाद जो है आपने अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो उसमें से आपने देना होता है कि यार मैंने एमएस किया हुआ है, या आपने बीएस किया हुआ है, या एमएस दोनों किए हुए, या एक किया हुआ है, तो आई मीन के बीएस, तो उसमें से आपने वो ट्रांसक्रिप्ट्स जो है वो ऐड करने होते हैं, फिर इसके साथ जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो देना पड़ता है, इसके बाद जो है पर्सन स्टेटमेंट है वो भी मैंने आपको बताया वो आपको देना पड़ता है, और इसके अलावा जो है इसमें है हाँ प्रपोजल, प्रपोजल आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसको थोड़ा सा आप लोगों ने बीएस में भी कोई प्रोजेक्ट किया होगा, या एमएस के लेवल पे आपने कोई रिसर्च किया होगा, तो उसके लिए आपने प्रपोजल लिखा होगा, तो वो प्रपोजल थोड़ा सा डिफाइन करें, उसको थोड़ा सा देख लें उसमें कुछ मिस्टेक्स हो, आई मीन के उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, कुछ मिस्टेक्स वगैरह जो है मतलब उसको एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो तो कर लें, ठीक है, तो
तो उसको लेके आप उसको ऐड कर लें। हाँ ये बात, जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ ऐड करते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स कुल मिला के 6 MB से कम या 6 MB होने चाहिए, तो वो तो बहुत आसान सा काम है अगर आपके पास कोई एक बात तो यह है कि वो PDF में होने चाहिए, ठीक है। तो PDF में अगर आपके पास कुछ हैं, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं अगर ये आपके पास PDF में हैं, या PDF में नहीं है तो वो आसानी से आप गूगल में टाइप करके तो आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो इमेजेस हैं तो इमेजेस ही होंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, तो उसका एक इमेज है आपके पास, तो आपने अपलोड करना होगा तो उसको आपने PDF में कन्वर्ट करना होगा। तो इसी आसान सी बात है, आपने गूगल में टाइप करके, ठीक है, इमेज कन्वर्ट PDF, ये सारा कुछ लिखना होता है, तो ये करके एक एक 2 मिनट लगते हैं इसमें। आप उसको PDF में कन्वर्ट कर लें, अगर उसका साइज़ फिर भी बड़ा है, आप समझते हैं कि आप कैलकुलेट कर लें कि ये सारा कुछ जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स ये 6 MB या 6 MB से कम में एडजस्ट हो जाएंगे, अगर नहीं होते तो फिर आपने उसको कंप्रेस करना होता है फाइल्स को। तो वो आप वो भी सिंपली कि आप ऑनलाइन चीज़ें, सारा कुछ ऑनलाइन है, तो आप ऑनलाइन जो है वो टाइप करके वहाँ पे उसको कंप्रेस कर सकते हैं आपने PDF फाइल्स को। और इसमें अगर आपके पास दो ट्रांसक्रिप्ट हैं, एक MS का है और एक BS का है, ठीक है, तो एक ही PDF फाइल में आपने डालना होता है, ठीक है। तो आपने उसका एक ही इमेज जो है वो आपने, या एक ही PDF फाइल जो है वो आपने देना होता है। इसके बाद जो ये सारी चीज़ें लास्ट में आपसे फिर वो रेफरेंस मांगते हैं, तो रेफरेंस में आपके जो रिस्पेक्टिव टीचर्स जितने भी हैं, आपके सुपरवाइजर्स, आपके टीचर्स, उनके साथ आपने काम किया हो तो उसके साथ जो है आप कांटेक्ट कर लें व्हाट्सएप पे या जो भी हो, तो उनको ये बताएं कि हम फ्लां स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनसे ये इजाज़त ले लें कि हम आपका रेफरेंस डाल सकते हैं। तो आप वहाँ से फिर दो, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपसे वो दो रेफरेंसेस मांगेंगे, तो आपने दो रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, तो वो दो रेफरेंसेस आप दे दें और फिर ये फाइनल हो जाता है। और लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स मैंने बताए हैं ये मोस्टली स्कॉलरशिप्स के लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये आपने आप अभी से ये नियत कर लें कि हम ये टाइप कर लेंगे, एक दिन मुकर्रर कर लें तो उसमें ये सारा कुछ टाइप करें, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी स्कॉलरशिप्स आते हैं तो वो जो है वो आपसे ये चीज़ें मांगेंगे, जैसे पर्सनल स्टेटमेंट आप टाइप कर लें, इसके साथ कवर लेटर आप टाइप कर लें, इसके साथ अपनी CV को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, थोड़े चेंजेस कर लें इसमें, और अपना एक्सपीरियंस जितना भी है आप थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बना लें तो वो ऐड कर लें, तो दैट इज़ सिंपल। और इसके साथ जो है अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो आप बना लें, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ स्कॉलरशिप जो है वो आईलेट्स मांगते हैं, तो आईलेट्स के लिए फिर वो आईलेट देना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर स्कॉलरशिप जो होते हैं वो आईलेट नहीं मांगते हैं, तो कोशिश करें कि जो स्कॉलरशिप्स आईलेट नहीं मांगते तो उसके लिए तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, तो वही अप्लाई किया करें, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं आईलेट में तो आईलेट दे दें, उसके लिए तैयारी कर लें। 1 फरवरी इसमें लास्ट डेट है, और मेरा ख्याल भी अभी आया कि मैं वीडियो बना लूं, लेकिन अगला जो स्कॉलरशिप है उसके लिए मैं वीडियो पहले से ही बनाऊंगा, और एक और स्कॉलरशिप भी है नेक्स्ट, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप अभी से शुरुआत कर लें, जो रिक्वायरमेंट्स मैंने बताए हैं वो अपने पूरे कर लें। अगर एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर यहाँ नीचे कमेंट कर लें, तो वो मैं बताऊँगा सब कुछ, जो जो भी आप उसमें आपको मसला आ रहा है तो फिर यहाँ कमेंट में टाइप कर लें, तो वो मैं आपको वो मसला बता दूंगा कि हल कर देंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।